हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? शायद अच्छे ही होंगे। आज के व्लॉग में हम आए हैं गाय चराने सुबह सुबह, क्योंकि कल हमारे एक पड़वार एक पड़िया आए नहीं है, पता नहीं कहाँ भग गए हैं, तो उनको ढूंढना पड़ेगा। कल भी शाम को बहुत ढूंढे पर नहीं मिल पाया, तो आज उसी के लिए हैं। तो अभी मैं गायों को ढीलने आया था। ये हैं पीछे गाय जो भी चर रहे हैं। ये तो बहुत पुराने हैं हमारे घर के, इसलिए ये चर के वापस आ जाते हैं। पर पड़वा भी नए खरीदे थे पिछले साल ही, तो फिर भी पता नहीं कैसे नहीं आए हैं। एक आ गया, एक बाकी दो नहीं आए हैं, तो उनको आज हमको ढूंढना है। तो अभी इस समय हम खोजते हुए नाला के पास भी आ गए हैं, फिर भी इधर नहीं दिख रहे हैं। ये हमारे यहाँ का डैम बना है। तो अभी हम उस साइड से आएंगे, मतलब आगे जहाँ पर हम देख लेते हैं। चलो, हम नाला पार कर लिए हैं ये, तो वहीं आगे जाने के बाद जो खेत है, पता नहीं अब उधर देख रहे हैं पड़वा, अब वही है कि कौन है पता नहीं, देख लेते हैं। ये पड़वा देख रहे हैं, शायद वही है कि कैसे। भाई आ, तो दोस्तों फाइनली हमको मिल गए हैं दोनों जो कल नहीं आए थे। यही दोनों पड़वा है और ये प्रिया जो घंटी बंधा हुआ है। चलो, कहाँ थे रात भर? चट चट, अभी घर की याद आ रही है ना। चलो, धन्यवाद ईश्वर को कि उन्होंने हमको पड़वा में ला दिया, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाता। क्योंकि इस समय गांव में अधिकतर लोग ऐसे लोग घूमते हैं जो आवारा टाइप से, मतलब जो चरते रहते हैं अपने आप, उनको ताक में रहते हैं और उनको चुरा के ले जाते हैं और दूसरी जगह बेच देते हैं। और इसलिए उतना परेशान और टेंशन में हो गए थे ये दोनों के लिए। अब ये तो पढ़िया है, अब ये तो अभी छोटी है, तो वो चलो ईश्वर को धन्यवाद कि उन्होंने हमारी प्रार्थना सुन ली और हमको खोज के निकाल दिया। चलो, पहुंच गए। ये हमारे खेत है जो भी अभी बिल्कुल सूखा रूखा है, फसल है। उस साइड से देखो कैसा आवाज कर रहा है दूसरा वाला, ये भी वो हाँ सामने दिख रहा होगा, ये है दूसरा जो उस साइड चल रहा है। तो फाइनली इन लोग मिल गए हैं, अब इन लोग यहाँ पर चलेंगे। तो ये देखो, ये आवाज कर रहा, देख रहा है दूसरा पड़वा ये, और ये है जा रहे वहीं पर जो अपने परिवार को पहचान रहा है। चलो चलते हैं फिर आगे। चलते हैं घर। ये नाला को पार कर रहे हैं। नाला देखो कितना सूख गया है, क्योंकि अभी गर्मी के समय है, पानी इतना ज़्यादा नहीं है, गड्ढे गड्ढे पानी है और इसी पानी के लोग पीते हैं। अब क्या करें, उनके लिए कोई सुविधा नहीं है। तो चलते हैं। चलो ठीक है, चरते रहना, भागना नहीं अब। तो फाइनली अभी मैं घर आ गया हूँ, जहाँ पर हम क्या पी रहे हैं अभी सुबह के नाश्ते में, चाय अंजीर एंड बेरी। और ये बेर है, बेरी बोलते हैं जिसको आप लोग, उसको बनाए हैं ये, जिसको हम अभी पियेंगे। पेज और मक्के का पेज है ये, ऐसा। तो जल्दी से पेज पी लेते हैं। दोस्तों, ये हमारे गांव का ट्रेडिशनल नाश्ता, पीज, ये मक्के के टुकड़े दिख रहे होंगे और ये है बेरी। चलो
तो अभी हम लोग मार्केट गए थे, ये देखो हम लोग, और यहाँ से क्या लाए हैं, मछली, ये गूरा मछली, ये मरा नहीं है, जिंदा मछली है। ये बाल्टी में और भी मछली हैं, ये देख रहे होंगे, ये लगभग आधा किलो के लाए हैं मछली, जो कि हम इसको कहाँ डालेंगे, इस टंकी में डालेंगे, जो कि हमारा टंकी है, बहुत गहरा है, पर ये अभी इसमें पानी बसा और कुछ नहीं है, तो मंगूरी मछली को ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ता है, कहीं पर भी सर्वाइव कर लेता है, कीचड़ में भी, तो इसलिए अब हम इनको लाए हैं ताकि हम इसको यहाँ पर डाल दें और हमारा थोड़ा टंकी साफ़ सुथरा हो जाए, जो ये बहुत काई लग चुका है, जो थोड़ा साफ़ सुथरा हो जाए, क्योंकि ये अधिकतर काई यही सब ही खाता है, तो अब इसको हम जल्दी से डाल दें, क्योंकि बहुत दिन हो देर हो गया इसको लाए हुए, तो जल्दी से हम इसको डालते हैं ना बाबू, डाले चुको बाबू, आए देख मार्केट से क्या लाए हैं अपन लोग, मछली। एक मछली डाल दिए हैं, अभी और मछली पकड़ रहे हैं, पकड़ो पकड़ो जल्दी, पकड़ में आ रहे, तो ये दूसरी मछली, ये इसको डाल रहे हैं, ओह गिर गया। इसी प्रकार हम जल्दी से और भी मछली डाल देते हैं ना बाबू, चुक बाबू जल्दी डालो, आए हाँ री पकड़ो, ने डाला नहीं आ रहा पकड़ में, बहुत फिर चिकना रहता है मछली, जिसलिए जल्दी पकड़ में नहीं आता है, ये डाल दिए, ये जल्दी 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 जल्दी, ये गया है। तो हम अभी घर आ चुके हैं अपने प्यारे से चुकू बेबी इवान के साथ, अभी खेल रहे हैं हम अपने घर में पोर्च के नीचे, जहाँ हमारा गार्डन है हरा भरा, ये देख सकते हैं यहाँ पर हम खेल रहे हैं। तो बस दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं, ओके बाय।